अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद एहतिशाम मलिक। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्र गुजार हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को पसंद करते हैं। आज PSL का बड़ा धुआंधार मैच हुआ, बड़ा अच्छा मैच हुआ, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। जब कराची किंग्स ने 196 रन बनाए थे तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच 20वें ओवर में जीत लिया और इस्लामाबाद की जानब से एलेक्स सेल ने बहुत उम्दा बैटिंग की। उसने 42 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने 49 रन बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में आसिफ अली की धुआंधार बैटिंग है, जिसने बहुत उम्दा बैटिंग की और सिर्फ 9 गेंदों पर 21 रन बनाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को फतह से हमकिनार कर दिया। तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितने भी तारीफ की जाए कम है कि नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन में तब्दील कर दिया। शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान है, उन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि कराची में फील्डिंग इसलिए करता है आदमी पहले के बाद में गेंद गीली हो जाती है और गेंद को ग्रिप करना मुश्किल होता है, तो इसलिए शादाब खान ने बिल्कुल सही फैसला किया कि टॉस जीतकर उसने पहले फील्डिंग का फैसला किया। गो के उसके ओवर में बहुत रन पड़े और आज शर्जील ने भी बहुत उम्दा बैटिंग की, उसने इस PSL की पहली सेंचुरी बनाई, 105 रन बनाए 59 गेंदों पर, बहुत उम्दा बैटिंग की, बहुत धुआंधार बैटिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची की टीम मैच हार गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट मैच जीत गई। मैं समझता हूँ कि अभी PSL के और भी बहुत से मैचेस बाकी हैं, कराची में होंगे और लास्ट लेग लाहौर में होगी, तो अभी बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। एक बात है कि 196 रन का हदफ था, 197 रन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाए, इसका मतलब है कि 196 करके भी आदमी या टीम सेफ नहीं होती, 196 ही कम होता है, 196 भी 2020 के फॉर्मेट में कम होता है, इसीलिए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने 197 रन बनाए और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन सब ने कंट्रीब्यूट किया, और एलेक्स सेल ने कंट्रीब्यूट किया, इफ्तिखार अहमद, हुसैन तलत या आसिफ अली ने, सब ने कंट्रीब्यूट किया, किसी ने दिल नहीं हार रहा, हिम्मत नहीं हार रही और जस्तजू में रहे और मैच को नामुमकिन मैच को मुमकिन में तब्दील किया और ये मैच जीत गए। तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के जीतने से बड़ी अच्छी जीत उनकी हुई है, उन्होंने कराची किंग्स को शिकस्त दी 5 विकेटों से और कराची किंग्स के जिसके जीतने के चांसेस इस मैच के बहुत ज्यादा थे वो बिल्कुल खत्म कर दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया। एक बात फिर मैं कहूँगा, चाहे कराची जीते या इस्लामाबाद जीते या पिशावर जीते या मुल्तान जीते या कोटा जीते, सब पाकिस्तान की टीमें पाकिस्तान को जीतना चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट को जीतना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैच है हाई स्कोरिंग मैच हुआ, अब तो 196 रन भी सेफ नहीं है, 196 रन बनाते 197 रन का टारगेट दिया था कराची किंग्स ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने 197 रन बनाए और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। जब 4-5 खिलाड़ी रजिस्ट करें और अफर्ट करें तो समझ में आता है कि टीम खेल रही है, टीम लड़ी है और टीम जीत के लिए लड़ी है। हुसैन तलत ने अच्छा परफॉर्म किया, इफ्तिखार अहमद ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एलेक्स सईद और आसिफ अली ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, उनकी परफॉर्मेंस की बदौलत इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम यह मैच जीत गई। मैं फिर ये देखना चाहूंगा कि इस PSL में
पाकिस्तान को कोई बैट्समैन मिलता है या नहीं ये देखने की बात है। अभी तक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के ओपनर्स को कोई नेमुल बदल आए, इस पीएसएल में पाकिस्तान के कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं जिससे मुझे इम्प्रेस किया हो। बॉलर तो बहुत है लेकिन बैट्समैन की कमी है और फिर वही टीम बनेगी जो पाकिस्तान की टीम बनती है। इसमें बहुत से एक्स प्लेयर्स खेले होते हैं, बहुत से बाहर के प्लेयर्स खेले होते हैं, हमारे प्लेयर्स को उनसे भी सीखना चाहिए कि उनका स्ट्राइक रेट क्या होता है और वो कैसे बैटिंग करते हैं, प्लेसमेंट कैसे करते हैं, सीखने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है और बाहर के जो प्लेयर्स हैं उनसे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको इस्तेफादा हासिल करने की जरूरत है। मैं वंस अगेन आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे व्यूज को पसंद करते हैं और मैं एक मरतबा फिर आपको कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, जुड़े रहें इंशाल्लाह।